क्लासिक्स, गुड मॉर्निंग। कंटिन्यू करते हैं अपने एक्सरसाइज 21D को, और क्वेश्चन नंबर हमने 8 का कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 5:3। देखिए, लेंथ और ब्रेथ, ध्यान समझिएगा, लेंथ और ब्रेथ जो है वो रेक्टेंगुलर पार्क का रेशियो में दिया है 5:3, एंड इट्स पेरीमीटर इज 128 मीटर, और पेरीमीटर है 128 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क, और हमें पार्क का एरिया फाइंड करना है। देखिए, लेंथ और ब्रेथ रेशियो में दिया हुआ है, तो हम लेट करेंगे, मानेंगे कि जो लेंथ होगा वो क्या होगा 5x, और ब्रेथ क्या होगा 3x। चलिए देखिए कॉपी पे मेरे, ध्यान से समझते हैं इसको। तो लेट करते हैं, सपोज करते हैं कि जो लेंथ है हमारा रेक्टेंगुलर पार्क का वो है 5x, और ब्रेथ जो है वो 3x है। अब गिवन पैरीमीटर आपको दिया हुआ है, तो गिवन पैरीमीटर जो है वो है 128 मीटर। नाउ अब देखिए क्या करेंगे, जो पैरीमीटर है वो 128 यानी गिवन पैरीमीटर के इक्वल हो जाएगा, तो 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 128 मीटर, ठीक। अब लेंथ की जगह लेंथ का वैल्यू, ब्रेथ की जगह ब्रेथ का वैल्यू रखते हैं। लेंथ कितना लेट किया था हमने, 5x रखा गया है। ब्रेथ कितना लेट किया था, 3x रखा गया, ठीक, और 128 मीटर्स। इसके बाद देखिए 5 और 3 हो जाएगा 8x। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, उसको इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई बदल जाएगा डिवाइड में, तो देखिए 2 डिवाइड में हो गया, ठीक। अब इसके बाद 2 से डिवाइड कर दिया, 2 6 12, 2 4 64, 8x यानी 8 × x है, 8 × x है। अब 8 को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो इंटू यानी मल्टीप्लाई का हो जाएगा डिवाइड, तो ये डिवाइड कर दिया, और जब डिवाइड करेंगे तो 8 × 64 तो 8 मीटर, यानी कि x की वैल्यू आई है। अभी सिर्फ x की वैल्यू आई है, अब हम निकालेंगे लेंथ और ब्रेथ कितना है, ठीक। तो देखिए, सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क का जो लेंथ है वो लेंथ है पार्क का, देखिए 5x था तो 5 × 8 40 मीटर, और ब्रेथ कितना था 3x, तो 3 × 8, x जगह 8 रख दिया तो 24 मीटर आ गया। हैंस द एरिया ऑफ द पार्क, अब देखिए एरिया निकालना था, तो पार्क का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया होगा क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, ठीक। मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया हमें मिल जाएगा 960 मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 क्या है हमारा बता रहा है, टू प्लॉट्स ऑफ लैंड, टू प्लॉट्स यानी जमीन के 2 टुकड़े हैं, ठीक है, हैव द सेम पैरीमीटर, पैरीमीटर सेम है, ठीक, याद रखिएगा पैरीमीटर सेम है। अब आगे चलते हैं, 1 is square, देखिए 2 प्लॉट है, 2 जमीन के टुकड़े थे जिसमें से एक जो है वो है स्क्वायर, जिसका साइड 64 मीटर एंड अदर, और दूसरा जो है वो है रेक्टेंगल, जिसका लेंथ दिया है 70 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है रेक्टेंगुलर प्लॉट का ब्रेथ यानी कितना ब्रेथ है उसका वो, और विच प्लॉट हैज द ग्रेटर एरिया, और किस प्लॉट का एरिया अधिक है और कितना अधिक है। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप बहुत आराम से लगा लेंगे क्वेश्चन को। 2 प्लॉट है, पैरीमीटर सेम है, पहले ही इसने कह दिया पैरीमीटर सेम है, तो इतना चीज को दिमाग में रख के सोल्यूशन करते हैं हम लोग। तो कॉपी में देखिए मेरी, स्क्वायर प्लॉट जो है उसका साइड दिया हुआ है 64 मीटर, तो साइड दिया है तो आप निकाल लीजिए पैरीमीटर, 4 × साइड, पैरीमीटर आ गया। अब देखिए पैरीमीटर जो आएगा, जितना पैरीमीटर स्क्वायर का होगा उतना ही पैरीमीटर रेक्टेंगल का होगा, क्योंकि इसने बोला है कि पैरीमीटर दोनों का सेम है, ठीक। अब देखिए लेंथ दिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट का 70 मीटर, लेकिन ब्रेथ नहीं पता है, तो ब्रेथ सपोज कर लेते हैं, लेट करते हैं, ब्रेथ कितना है एक्स मीटर। सिंस द पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट, पैरीमीटर स्क्वायर प्लॉट का जितना है वो किसके इक्वल है, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। नाउ तो जो पैरीमीटर है वो दोनों इक्वल हो जाएगा, देखिए ये पैरीमीटर था, ठीक, और ये पैरीमीटर है रेक्टेंगल का, दोनों इक्वल हो गया। अब देखिए लेंथ की जगह लेंथ का वैल्यू रख दिया, ब्रेथ की जगह एक्स माना है हमने, एक्स रख दिया, 2 यहां पे मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड हो गया, देख रहे हैं हमने डिवाइड हुआ, 2 के टेबल से कट किया गया। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 8, 2 6 12, 128, 70 प्लस एक्स है तो प्लस है, जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दिया हमने,
माइनस करने पे आ गया x का वैल्यू 58 मीटर, यानी कि जो ब्रेथ है वो है 58 मीटर। देखिए लेंथ ब्रेथ फाइंड हो गया, स्क्वायर का भी दिया है और हमसे पूछा है कि एरिया बताइए किसका अधिक है। तो अब हम एरिया फाइंड करेंगे, पहले ब्रेथ लिख लेंगे कितना है, तो ब्रेथ है 58 मीटर। अब एरिया फाइंड करेंगे स्क्वायर प्लॉट का, तो एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड स्क्वायर प्लॉट का एरिया आ गया। फिर एरिया निकालेंगे रेक्टेंगुलर प्लॉट का, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ ब्रेथ है हमारे पास, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए दोनों एरिया को कंपेयर करिए, ऑन कंपेयरिंग द एरिया ऑफ टू प्लॉट्स वी हैव, हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर प्लॉट्स एरिया इज ग्रेटर देन द रेक्टेंगुलर प्लॉट। आप देख रहे हैं कि स्क्वायर का है 4096 और ये है रेक्टेंगल का 4060। कितना बड़ा है तो माइनस कर देंगे पता चलेगा ना कितना एरिया अधिक है, तो माइनस कर दिया हमारा आंसर 36 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया अधिक है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं 11 की तरफ, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड एट रुपीज 35 पर स्क्वायर मीटर्स, देखिए स्क्वायर मीटर्स है, टोटल रुपीज दिया है 71,400 और बता रहा है इफ द विड्थ ऑफ द फील्ड इज 40 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट रुपीज 50 पर मीटर। देखो क्वेश्चन ध्यान से समझो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है ठीक, उसको कल्टीवेट किया जा रहा है, जुताई बुवाई जो है वो की जा रही है 35 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, यानी कि एक मीटर स्क्वायर का जो है कितना रुपीज लिया जा रहा है 35, तो टोटल रुपीज हुआ आपका 71,400, टोटल रुपीज दिया है और 35 रुपीज दिया है पर का स्क्वायर मीटर से। ठीक है, तो जब स्क्वायर मीटर से, तो बाबू जब हम डिवाइड कर देंगे टोटल रुपीस को पर रुपीस से, तो हमें मिलेगा एरिया, क्योंकि स्क्वायर मीटर है तो मीटर स्क्वायर में हमें एरिया ही मिलता है, तो डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा एरिया रेक्टेंगुलर फील्ड का। ठीक, और यहां बता रहा है कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका ब्रेथ है 40 मीटर, तो लेंथ बताइए, तो लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं हम एरिया को डिवाइड कर देते हैं ब्रेथ से, लेंथ निकल गया। अब ये भी पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग देखिए बाबू फेंसिंग 50 रुपीज पर मीटर, फेंसिंग करानी है यानी चारों तरफ हमें बाउंड्री करानी है। ठीक है, बाउंड्री करानी है चारों तरफ, फेंसिंग करानी है, तो जब हम फेंसिंग कराएंगे तो भाई फेंसिंग कराने के लिए हमें क्या निकालना होगा, पेरीमीटर, चारों तरफ जो बाउंड्री वॉल है ना, बाउंड्री यानी दीवार खड़ी करनी है, तो भाई चारों तरफ ही दीवार खड़ी करेंगे तो हम क्या निकालेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर जो आएगा उसमें 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग, तो आते हैं अपनी कॉपी पे, टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट, रेट ऑफ कल्टीवेटिंग दिया हुआ है 35 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो एरिया निकाल लेंगे फील्ड का, तो एरिया क्या होगा टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे पर मीटर स्क्वायर के कॉस्ट से, डिवाइड करते ही हमें पता चल जाएगा कि कितना एरिया है, तो डिवाइड करने पे आया हमारा एरिया 2040 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब आगे देखते हैं, एरिया हमारे पास है, ब्रेथ गिवन है, दिया हुआ है, ब्रेथ जो है फील्ड का है 40 मीटर, तो लेंथ निकल जाएगा, एरिया डिवाइड बाय ब्रेथ, डिवाइड कर दिया 51 मीटर आपका आया लेंथ। नाउ पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर क्या होता है 2l + b, ठीक है, पेरीमीटर निकालेंगे तो आएगा 182 मीटर। अब देखिए आपसे क्या पूछा था, जो रेट ऑफ फेंसिंग है, रेट कितना है 50 रुपीज पर मीटर रेट है, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, जो पेरीमीटर आया है उसमें 50 का मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पता चल जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, तो 12 है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 540 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ और पेरीमीटर फाइंड करना है, बहुत सिंपल है, एरिया दिया है, लेंथ दिया है, ब्रेथ फाइंड करना है, डिवाइड कर दीजिए, ब्रेथ फाइंड हो जाएगा, ब्रेथ मिल गया, लेंथ है, पेरीमीटर निकाल लीजिए, सिंपल है ना, चलिए देखते हैं, तो तुरंत ही हो जाएगा सॉल्व।
540 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, लेंथ 36 सेंटीमीटर। अब देखिए ब्रेथ इक्वल टू एरिया डिवाइड बाय लेंथ, कट किया गया आया 15 सेंटीमीटर, लेंथ 36 है, ब्रेथ 15 सेंटीमीटर आ गया। पेरीमीटर निकालेंगे तो 2l प्लस बी, पेरीमीटर निकालेंगे तो आएगा आपका, देखिए पेरीमीटर को फाइंड करना है हमें मीटर में, तो इसलिए 102 सेंटीमीटर को क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो मीटर में चेंज हो जाएगा ना। तो जब डिवाइड कर दिया 100 से तो 1 मीटर 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.02 मीटर। तो अलग अलग जब करेंगे तो 1 मीटर और ये हो जाएगा 02 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 क्या है देखते हैं। अ मार्बल टाइल मेजर्स 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर टू कवर अ वॉल ऑफ साइज 4 मीटर बाय 3 मीटर। मार्बल टाइल है जिसका मेजरमेंट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, पूछ रहा है कितना टाइल्स लगेगा एक दीवार पे लगाने के लिए, और वो दीवार का मेजरमेंट है 4 मीटर बाय 3 मीटर ये दिया हुआ है। और पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ टाइल्स एट रुपीज 22.50 पर टाइल। अगर एक टाइल की कॉस्ट 22.50 रुपीज है तो सारे टाइल्स का कॉस्ट कितना होगा ये भी पता करिए। देखिए ध्यान से, मार्बल टाइल का ये दिया हुआ मेजरमेंट और वॉल जिसपे लगाना है हमें दीवार उसका भी मेजरमेंट दिया हुआ है, लेकिन यूनिट अलग अलग है तो यूनिट हम सेम करेंगे। चलिए देखते हैं अपनी कॉपी पे। सबसे पहले टाइल्स का मेजरमेंट हमने लिखा, आप देख रहे हैं, फिर हमने वॉल का मेजरमेंट लिखा, आप देख रहे हैं, हमने क्या किया वॉल जो मीटर में था उसको सेंटीमीटर में बदल लिया, आप देख रहे हैं 4 मीटर का 400 सेंटीमीटर और 3 का 300 सेंटीमीटर हो गया। अब हम निकालेंगे कि कितना टाइल्स लगेगा, तो जो वॉल का एरिया है एरिया ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल, वॉल के एरिया को टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए हमने डिवाइड कर दिया, लेंथ इंटू ब्रेथ का मल्टीप्लाई, लेंथ इंटू ब्रेथ का मल्टीप्लाई एरिया होता है, तो मल्टीप्लाई में था पहले से ही, तो हम बस इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कर नहीं पाया, 1000 टाइल्स, यानी 1000 टाइल्स जो है वो चाहिए। अब रेट जो है टाइल का कितना है 22.50 पर टाइल, यानी एक टाइल का कॉस्ट है 22.50, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो भाई टोटल टाइल इतना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 22,500 रुपीस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो 14 हमारा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हूज एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पेरीमीटर फाइंड करना है रेक्टेंगल का जिसका एरिया दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, भाई एरिया है ब्रेथ दिया है, डिवाइड करके लेंथ निकाल लेंगे, जब लेंथ निकल गया ब्रेथ दिया हुआ है पेरीमीटर निकाल लेंगे, बहुत सिंपल है। आइए देखते हैं अपनी कॉपी में। एरिया मैंने बताया जैसा कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, गिवन ब्रेथ 25 सेंटीमीटर दिया है, लेंथ निकाल लेंगे, एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ डिवाइड करके 24 सेंटीमीटर का लेंथ हो गया। पेरीमीटर निकालेंगे तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ की जगह वैल्यू लेंथ की, ब्रेथ की जगह वैल्यू ब्रेथ की, सॉल्व करेंगे 98 सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर आ गया, यही पूछा था, यही हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं हम लोग। 15 क्या बता रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हूज डायगोनल इज 5√2 सेंटीमीटर। स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है जिसका डायगोनल है 5√2 सेंटीमीटर। फॉर्मूला आपको याद है, लिखवाया गया था एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, ये लिखवाया गया था, इसी फॉर्मूले से हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं अपनी कॉपी में, ध्यान से देखिएगा, गिवन डायगोनल क्या है 5√2 सेंटीमीटर, ये आपका स्क्वायर है, देखिएगा स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, साइड हमें पता ही नहीं है, तो एक्स 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 हमने मान लिया, ये डायगोनल दिया हुआ है 5√2 सेंटीमीटर, ये डायगोनल है। ठीक, अब देखिए एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, 1/2 इंटू डायगोनल की जगह डायगोनल रखा गया, स्क्वायर यानी पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए पावर 2 है तो हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट में है इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, जितना पावर उतने टाइम मल्टीप्लाई, आप ये जान रहे हैं पढ़ भी चुके हैं। ठीक, तो
पावर 2 है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया गया यहाँ पे। ठीक, आप देखिए मल्टीप्लाई में सारा ही है 1/2 इंटू 5 जा 25। अब देखिए √2 × √2 हो गया। ठीक, 5 जो बाहर है उसका मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन जो अंदर है रूट के उसको ऐसे राइट किया गया वैसे ही √2 × √2। अब ध्यान से देखिए, मैंने बताया था कि जब स्क्वायर रहेगा, अब स्क्वायर है स्क्वायर रूट, तो रूट में अगर दो नंबर एक जैसे हैं, देखिए 2 2 एक जैसे हैं, तो उन दोनों में से एक बाहर आ जाता है, एक बाहर निकालेंगे रूट हट जाएगा, बाहर निकालते रूट हट जाता है। ठीक, तो ये देखिए √2 √2 दोनों सेम है 2 2, इन दोनों में से एक बाहर निकाल लें तो रूट अपने आप हट जाता है। ठीक, रूट हट जाएगा, रूट गायब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया। अब सॉल्व करते, 2 से 2 कट गया, क्या आया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या गया, यही एरिया हो गया स्क्वायर का। ठीक है, इसको बहुत ध्यान समझिएगा, रूट में था ना 5√2 का होल स्क्वायर था। अब क्या करते, देखिए एक चीज और समझिए, 5√2। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 5 × 5 कर दिए, √2 कर दिए, ठीक, इसके पावर 2 कर दिए, और यहाँ 1/2 कर दिए। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको ऐसे समझिएगा, 5 × 5 = 25 हो गया। अब देखिए जो स्क्वायर है वो रूट को खा जाता है, ये स्क्वायर उसके ऊपर लगा है तो स्क्वायर रूट को खा जाता है, तो जब खा जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, आपको ये मिलेगा 5 × 25, 1/2 × 25 × 2। यहाँ पे देखिए जब ये स्क्वायर रूट को खा गया तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो ये देखिए क्या बचा, 1/2 × 5 = 25 × 2 बचा, क्योंकि स्क्वायर रूट को खा गया। इस तरह से भी याद करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो 16 और 17 ये दो जो क्वेश्चन है इनको हम नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे, पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।